मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि ज्योतिबा किस तरह से लड़कियों का स्कूल खोलने के लिए तैयार होते हैं और उस पर काम भी करना शुरू करते हैं। जब ये बात पूरे पुणे शहर में फैल जाती है तो वहाँ के पुरोहित लोग हिल जाते हैं कि कैसे कोई जो है लड़कियों का स्कूल खोल सकता है। डर जाते हैं पूरी तरह से कि अगर लड़कियां पढ़ लिख लीं तो फिर हमारी सुनेगा कौन। हमेशा उनको अपने अपने हिसाब से चलाने का जो प्रचलन चला आ रहा था। दोस्तों, ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय क्या लिया, पूरा पुरोहित समाज हिल गया और ज्योतिबा को उनके घर से निकलवाने का निर्णय ले लिया और घर से निकलवाने में कामयाब भी रहे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिवादन स्वीकार कीजिए यूनिक स्टार का और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे अधर्मी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चला निकल जा मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। बाबा, बाबा। देख सावित्री, मैंने तुम दोनों से पहले ही कह दिया था कि लड़कियों का विद्यालय मत खोलो, इससे बड़ा अधर्म और कोई नहीं हो सकता। कि लड़कियों का विद्यालय मत खोलो, यह अधर्म है। और जब तक मैं जीवित हूं लड़कियों का विद्यालय नहीं खोलने दूंगा। ए ज्योति, निर्णय तुम लोग को लेना है। लड़कियों का विद्यालय खोलना है या मेरे साथ अपने इस घर में रहना है। ज्योति, बोलना ज्योति। बाबा, निर्णय तो हम दोनों ने पहले ले लिया था, चाहे जो कुछ हो जाए हम लड़कियों का विद्यालय खोल के रहेंगे। भले उसके लिए हमें यह घर छोड़ना क्यों ना पड़े। ठीक है, तुम दोनों आज के बाद इस घर में नहीं रहोगे। देखा दोस्तों, किस तरह से आपको अपने घरों में लड़ना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है और फिर समाज से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, इस तरह से कई बार आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। निर्णय आपको लेना है, ना कमिटेड होते हैं आप अपने उद्देश्य को लेकर के। अगर आप अपने उद्देश्य को लेकर कमिटेड हैं और सामाजिक है तो दोस्तों आपने देखा जैसे ज्योतिबा ने अपने पीछे पैर नहीं खींचे, अडिग रहे अपने उद्देश्यों पे। इसलिए दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसे समय आएंगे जब आपको इस कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपके पूर्वजों की बातें जन जन तक पहुँचें तो शेयर कीजिए वीडियो को, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।